दूर से इतना मेहनत करके गोल लाते हैं तो उसे इनकरेज करना है। और स्पोर्ट में क्या मतलब जरूरी होता है बोलने से, मेहनत डाइट होता है, यानी को ये कर देना, गियर अप कर देना। विषय मतलब स्पोर्ट का जहाँ थे ना, वैसे हम भी स्पोर्ट मैन है जी। और स्पोर्ट में एक्चुअली पहला बार जो डिसिप्लिन होना है स्पोर्ट में ना, स्पोर्ट में जो डिसिप्लिन होना है, आप डिसिप्लिन होगा आपका गेम भी ठीक होगा कोई भी चीज़ में, नॉट ओनली स्पोर्ट, मतलब आप पढ़ाई में भी कहीं भी हो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट मैन जो हमेशा डिसिप्लिन होता है, नो डाउट। और स्पोर्ट में क्या मतलब जरूरी होता है बोलने से, मैन जो डाइट होता है, डाइट ना, डाइट जो प्रॉपर डाइट जो एक्चुअली हम लोग को डाइट का बारे में यहाँ में हम लोग का बहुत कम नॉलेज नहीं होता है डाइट का बारे में, तो डाइट आप बहुत जरूरी है। मतलब बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, एवरी डे को जब ट्रेन करता है तो एवरी डे को हम लोग क्या जरूरी होता है उसका मतलब, उसको मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे उसका बारे में हम लोग का यहाँ में मतलब इतना आयदा नहीं है यहाँ समाज में, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ हम लोग का स्पोर्ट मैन जो बहुत खुद को मतलब ट्रेन करके अच्छा डाइट नहीं करने की वजह से कुछ कुछ मतलब बीमार ये सब भी निकल जाता है वैसे करके। तो क्या होता है कि अच्छा डाइट के लिए क्या जरूरी बोलने से हम लोग का फिर पेरेंट्स उसको एफोर्ड कर नहीं सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग का पेरेंट्स बस्ती में रह जाता है तो ऐसे करके वो डाइट को एफोर्ड कर नहीं सकता है। और रहा बात, तो हम तो ये कहना चाहेगा स्पोर्ट्समैन को हमेशा इंकरेज करना, जैसे अभी जैसे हम लोग गैदरिंग करके मतलब जैसे मतलब मेडल लाया है उसको जैसे मतलब रिसेप्शन करना है, और माँ पिताजी भी मतलब इंकरेजमेंट देना है उसको ना स्पोर्ट को, और गवर्नमेंट से भी हम तो यही बोलेगा कि मतलब अगर स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट आप स्पोर्ट में बटन फिट होगा तो तभी समाज फिट होगा। स्पोर्ट्समैन क्या होता है कि मतलब स्पोर्ट्समैन जो डिसिप्लिन, आगे हम बोलते हैं डिसिप्लिन के बारे में हम बोले तो स्पोर्ट्समैन क्या है कि आप डिसिप्लिन होगा तो आप दारू सिगरेट ड्रग्स ये आइटम को आप अवॉइड करेगा। और स्पोर्ट्समैन जो वो मतलब इसलिए स्पोर्ट हेल्दी होगा तो आप समाज भी ठीक होगा। तो ये हम मतलब ये हम बताना चाहेगा कि स्पोर्ट को फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट होगा तो आप गलत काम नहीं करेगा, सही काम ही करेगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन होता है। तो मेरा तरफ से हम यही एज ए स्पोर्ट्समैन और तो हम यही मतलब भाई लोगों को सजेस्ट करेगा, डिसिप्लिन रहना जरूरी है और माँ पिताजी सपोर्ट करना है उसको। मतलब माँ पिताजी एफोर्ड नहीं कर पाने से भी मतलब बेसिक नेसेसिटी को जैसे डाइट होता है, खाना कैसे खाना है, कैसे मतलब मतलब ट्रेन करना है, उसको मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और समाज वाला भी जैसे हम लोग सोसाइटी पाकुटी एरिया का सोसाइटी इधर लोग भी मतलब उसको बच्चा जो गोल्ड मेडल लाता है तो इंकरेज करना है, दूर से इतना मेहनत करके गोल लाता है तो उसे इंकरेज करना है। और मतलब इधर लोगों को तो भी हम भी यही मतलब मतलब मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करेगा, जैसे वो जर्नी जाता है जहाँ से दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, बाहर कंट्री जाता है, तो क्या होता है क्या ये लोग का माँ पिताजी बस्ती में होता है तो उसको अपना इधर लोग कम से कम जर्नी को जर्नी को ये कर देना, बियर अप कर देना। मतलब जैसे फाइनेंशियली कुछ कुछ कमी मतलब फाइनेंशियली कमी तो मोरे मलुका से आए तो उसको मतलब इधर जो जानकारी इलाका से मेरा एरिया का और नॉट ओनली वो एरिया से इंटायर इसका में या अरुणाचल बोलने से भी तो उसको मतलब बियर अप ममो दे बोलो नो जर्नी का उसको भी तनखा पैसा देंगे, आए मेरे को मदद दकी मदे लगे तभी जाके मलु सामान से एक साथ मिल के जाएगा। वो इतना कहना चाहिए, थैंक यू।